नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली में। जी फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है आरबी एनटीपीसी एग्जाम अपडेट से निकल के। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट के लिए बहुत ही राहत की खबर होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप फाइनली आरआरबी ने अपना मूड बदल दिया कि अब एनटीपीसी का जो एग्जाम टेंडर उसका निकाला जाए, फ्रेंड जल्द से जल्द एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिसके लिए आरआरबी ने ईसीए यानी एग्जाम कंडी एक कंडक्टिंग एजेंसी के लिए टेंडर हायर करने के लिए फिर ऑफिशियल नोटिस सभी आरआरबी पे सर्कुलेट कर दिया दिए हैं। फिर देख सकते हैं एनटीपीसी ऑफिशियल नोटिस सर्कुलेशन जो सभी आरआरबी पे कर दिया जा चुका है। आरआरबी एनटीपीसी ने फाइनली जो टेंडर का हायर करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया। जी फ्रेंड, अब जल्दी आप लोग टेंडर हायरिंग होगा, उसके बाद आप लोग को जल्दी एनटीपीसी एग्जाम कंडक्ट करवाया। जी फ्रेंड, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आज के निकल कर। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय व ना ले चलते आपको ले चलते हैं और आरआरबी का ऑफिशियल नोटिस पे पूरा उसके माध्यम से पूरा आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको रेगुलर इंटरव्यू मिलते रहेगा। अगर फ्रेम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी एनटीपीसी टेंडर की बात करें, ये सभी आरआरपी के आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, देख जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम आरआरपी बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे आरआरपी बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो फ्रेंड्स आपको देखिए नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस में देखिए आप लोग को दिखा हुआ मिलेगा। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टेंडर नोटिस ऑन ईसीए सिलेक्शन ऑफ एनटीपीसी, यानी फिर एनटीपीसी के लिए जो है टेंडर नोटिस यहाँ पे सर्कुलेट कर दी। उसके फ्रेंड फ्रेंड्स, अगर दूसरे आरआरबी पर आए थे फ्रेंड, वहाँ पे आप लोग ऐसे ही देखने को मिले। जैसे मान लीजिए दूसरे आरआरबी, मान लीजिए आरआरबी अहमदाबाद पर आए तो फ्रेंड देख सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद पर देखिए आप लोग को सेल नंबर 01/2019 की डेट में देखिए, आज की डेट में 2/3/2020 की डेट में देखिए मिलेगा नोटिस फॉर इनवाइटिंग ई टेंडर फॉर इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर देखिए 01/2019 यानी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट आरआरबी पर आएंगे फ्रेंड्स, जैसे आरआरबी के मतलब भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पे देखिए आप लोग फ्रेंड देखने को मिल जाएगा आज के नोटिस में। देख सकते हैं एक सेल नंबर 01/2019 यानी एनटीपीसी के लिए, फ्रेंड देखिए डेट, देखिए आज के डेट में ये है 2/3/2020। यहाँ देखिए क्या नोटिस, तो देखिए लिखिए फॉर टेंडर नोटिस ऑन आरआरबी चेन्नई नोटिस नंबर 01/2018 ईसीए 01/2019 यानी एनटीपीसी को जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जो ईसीए यानी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर करने वाली है आरआरबी। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड कर लें, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या इसमें सब मेंशन किया गया है। तो जैसा है फ्रेंड देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई यानी ये टेंडर यानी ईसीए यानी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर जो फ्रेंड आरआरबी चेन्नई के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सारा प्रोसेस जो आरआरबी चेन्नई इसके रिगार्डिंग करेगी। देख सकते हैं टेंडर नोटिस नंबर देखिए आरआरबी चेन्नई सेल नंबर 01/2019 ईसीए यानी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी डेटेड, देखिए आज के डेट में ये नोटिस सर्कुलेट किया गया है सभी आरआरबी, देख सकते हैं 2/3/2020। इससे पहले भी फ्रेंड्स कल के डेट में एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था ई टेंडर के लिए, जो फ्रेंड्स वो नोटिस थी 03/2019 यानी आइसोलेटेड पोस्ट के लिए फर्जी है। फ्रेंड्स जो सर्कुलेट हुआ नोटिस ये एनटीपीसी एग्जाम के लिए सर्कुलेशन किया गया। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या मेंशन किया गया। तो देख सकते हैं चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई एक्टिंग फॉर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपन ई टेंडर इन टू पैकेट सिस्टम फॉर द फॉलोइंग वर्क, यानी जो आरआरबी चेन्नई बोर्ड है जो फ्रेंड्स वो मतलब टेंडर मतलब हाई मतलब टेंडर निकाली जो कि ईसीए यानी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर करने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग ये नोटिस आप लोगों को देखने को मिला। तो देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे पॉइंट नंबर 1 में नेम ऑफ द वर्क यानी किस काम के लिए ये नोटिस निकाला गया, तो देख सकते हैं टेंडर हायर करने के लिए यानी एग्जाम इंगेजिंग ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग सीबीटी टेस्ट, यानी जो ये नोटिस निकाला गया फ्रेंड्स एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी मतलब हायर करने के लिए निकाला किसके लिए, तो देख सकते हैं ऑल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉर एनटीपीसी कैटेगरी, यानी एनटीपीसी का जो एग्जाम जो सारा कुछ जो एनटीपीसी के माध्यम से होने वाला, जैसे कि एग्जाम हायरिंग प्रोसेस पैनल लिस्ट जितना भी सब कुछ करवाने के लिए जो है एनटीपीसी के लिए हायर किया जा रहा है। देख सकते हैं सेल नंबर 01/2019 रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऑल ओवर इंडिया। वहीं फिर बात की कॉस्ट ऑफ वर्क यानी इस काम को कराने में कितना लागत आने वाला, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने साफ तौर पर डाटा मेंशन किया जो कि जीएसटी से मिलाने के बाद भी देखिए कितना 2,51,07,33,661 रुपये का खर्च जो आने वाला है। फ्रेंड नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ टेंडर यानी फ्रेंड जो टेंडर का मतलब एप्लीकेशन फीस कितना है, तो 20,000 रुपये आप लोगों को जो टेंडर का एप्लीकेशन फी आप लोगों को सबमिट करना होगा। एड्रेस देखिए कौन हायर कर रहा है ई टेंडर, तो ई टेंडर जो फ्रेंड्स हायरिंग मनी कौन कंडक्ट कर रहा है, देख सकते रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि चेन्नई करवा रही है हायर प्रोसेस। अर्नेस्ट मनी यानी फ्रेंड्स आपको कितना मनी डिपॉजिट करना है, अगर आप लोग टेंडर लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप लोग 50 लाख का जो है मनी आप लोगों को सिक्योरिटी मनी हाजिर डिपॉजिट करने वाला है। कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ वर्क यानी फ्रेंड जो टेंडर लेगा कितने 2 साल के लिए टेंडर, जो भी कंपनी लेगी तो 2 साल के लिए वो लेगी, यानी 2 साल में आप लोग जो एनटीपीसी का एग्जाम पूरा कंडक्ट करवा देंगे, ज्वाइनिंग 2 साल के अंदर इसको करवा दिया जाएगा। डेट ऑफ इशू ऑफ टेंडर यानी फ्रेंड टेंडर कब आप लोग को इशू होने वाला, तो देख सकते हैं 2/3/2020 यानी आज के डेट में ये टेंडर जो है
इशू हो जाएगा। लास्ट डेट यानी फ्रेंड्स आज से लेके 12 तक यानी 10 दिन का समय, 10 दिन के अंदर जो जो मतलब एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आने वाली है, मतलब टेंडर लेना चाहती है, तो अपना अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकती है। फिर डेट ऑफ प्री ब्रीड कॉन्फ्रेंस यानी फिर 24 तारीख को जो 24 मार्च को प्री ब्रीड कॉन्फ्रेंस होगा वहाँ पे आप लोग को मौजूद होना यानी चेन्नई में। फिर रिलीज ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ प्री ब्रीड यानी फिर से क्लैरिफिकेशन जो है 7 अप्रैल को आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसेंट ई टेंडर यानी फिर देख सकते हैं आप लोग जो लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसेंट ऑफ फॉर बीड थ्रू ई टेंडर ऑनलाइन, तो यहाँ पे 2 बजे तक है जो कि 16 अप्रैल 2020 तक। वहीं फ्रेंड टाइम टेक्निकल बीट जो फ्रेंड देख सकते हो ओपनिंग जो फ्रेंड 16 अप्रैल को ही मिल जाएगा जो कि दोपहर को 3 बजे तक। फिर यहाँ कैसे फाइनलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे देखिए टाइम एंड डेट ऑफ ओपनिंग फाइनेंशियल बीट रिसीव इन रिस्पांस ऑफ टेंडर तो विल बी इन्फॉर्म टू बीडर हु सिक्योर टेक्निकल स्कोर 75% एंड अबव, यानी फ्रेंड जो टेंडर जो मतलब कंपनी आएंगे जो जो हायर किया जाएगा उसका फ्रेंड्स एग्जाम हो, जैसे एग्जाम में उनका जो टेक्निकल मार्क 75 के ऊपर हो तो उनको जो टेंडर फाइनली तौर पर हायर कर दिया यानी उनको दे दिया जाएगा। तो कैसे आप लोग को पार्टिसिपेट करना है या सब कुछ क्या करना है, तो यहाँ आप लोग को WWIRPSERRB के वेबसाइट पे यानी रेलवे के वेबसाइट इस पर आप लोग रजिस्टर करना है यानी सारे प्रोसेस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नोट टाइप में लिखा है टेंडर अदर देन ई टेंडर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी फ्रेंड्स आप लोग को ई टेंडर यानी ऑनलाइन के माध्यम से टेंडर सबमिट करना है, ऑफलाइन से कोई मतलब टेंडर नहीं लिया जाएगा। फिर देखिए जो प्रोस्पेक्टिव बीडर यानी जो टेंडर लेगा उसको फिर IREPS की पोर्टल पर जो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर देखिए आप लोग द कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट यानी टेंडर डॉक्यूमेंट का जो कॉस्ट यानी 20,000 रुपये प्लस EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो 50 लाख रुपये यानी 50,20,000 रुपये आप लोगों को जो सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें 20,000 रुपये आप लोगों को मतलब नॉन रिफंडेबल रिफंड नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड जो 50,00,000 रुपये जो आप लोग रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप लोग मतलब टेंडर आप लोग हाथ नहीं लगता तो आप लोगों को जो रिफंड कर दिया जाएगा, अगर मान लो टेंडर आप लोग ले लेते हैं तो फ्रेंड जो 50 लाख सिक्योरिटी मनी है जो आप लोग डिपॉजिट किए रहेगा। पॉइंट नंबर 4 में देखिए एप्लीकेशन मैनेजमेंट एजेंसी यानी फ्रेंड्स AMA जो मतलब फ्रेंड्स NTPC का जो एप्लीकेशन सबमिट किया, जो एप्लीकेशन जो हम लोग सबमिट किए हैं NTPC का जो एक एप्लीकेशन जो सबमिट किया हुआ एजेंसी जो है इसमें प्रोसेस में वो मतलब भाग नहीं ले सकती है जी, फ्रेंड्स इस वाले प्रोसेस में उन लोग को नहीं मतलब हायर मतलब के पार्टिसिपेट मतलब पार्टिसिपेट जो है नहीं कर पाएगी, जो जो मतलब जहाँ पर जो एजेंसी हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की वो एजेंसी जो इस वाले टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करती, जो कि RRB ने साफ तौर पर यहाँ पर क्लियर कर देख सकते हैं। एप्लीकेशन मैनेजमेंट एजेंसी यानी AMA फॉर NTPC कैटेगरी सेल नंबर 01/2019 के नॉट पार्टिसिपेट इन दिन टेंडर, यानी फ्रेंड जो टेंडर हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म मतलब सबमिट की वो जो है वो एजेंसी जो है इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, देख सकते हैं। मेंबर ऑफ सेक्रेटरी फॉर RRB चेन्नई यानी बहुत ही बड़े RRB NTPC कैंडिडेट को बहुत ही रिलीफ वाली नोटिस आ रही है जी, फिर देख सकते हैं आप लोगों को जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो हायरिंग प्रोसेस आपको स्टार्ट होगी, मान लीजिए अप्रैल तक हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर मई या जून के लास्ट लास्ट आप लोग जो फ्रेंड्स एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी एग्जाम करवाना प्रोसेस जो फ्रेंड्स आप लोगों को जल्दी करवाया जाएगा। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स।